देख लीजिए सुंदर सा चीड़ का जंगल है और देख लीजिए बैग करने को भी नहीं है इसलिए बैग में ले जा रहे हैं उमंग। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बधाणी ताल। आप देख आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं अरविंद शुक्ला, बाबा भोलेनाथ की नगरी केदारनाथ धाम के एक छोटे से प्यारे से खूबसूरत गाँव नाग जगह से। आशा करता हूँ आप कुशल होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको लिए चलता हूँ गाँव से काफ़ी दूर है, करीब 80 किलोमीटर दूर है बधाणी ताल एक जगह। वहाँ सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं और साथ साथ आपको दिखाता हूँ मैं वहाँ के सुंदर से नज़ारे। बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। इधर देख लीजिए सुंदर सा चीड़ का जंगल है, मगर किसी ने उपद्रवी हम कहेंगे उपद्रवी तत्व जो होते हैं उन्होंने जंगल को आग लगाया हुआ है और सारे पेड़ देखो आप जले हुए हैं, बहुत खराब लग रहा है। दोस्तों जब जंगल में आग लगती है तो अनेक पशु पक्षी वगैरह जो होते हैं ये जलते हैं, इन्हीं की भेंट चढ़ते हैं। दोस्तों कभी भी कहीं भी आग लग रही हो उसको बचाने का भरपूर प्रयास करें, आग बुझाने का प्रयास करें और संभव तो जहाँ तक हो सके इस प्रकृति के जो सुंदर से नज़ारे हैं उनको बचाने का प्रयास करें। दोस्तों यहाँ पे दो रोड हैं, एक रोड इधर से जा रही है जो कि दंडकोट के लिए और दूसरी रोड जो है सीधे आगे यहाँ से आप देख सकते हैं सामने बोर्ड है, यहाँ पर से 51 किलोमीटर मयाली है, उससे आगे पड़ेगा बधाणी ताल। दोस्तों गर्मियों का सीज़न है और यहाँ थोड़ी सी भी अगर कहीं आग स्टार्ट हो जाए तो इतना बड़ा हादसा हो सकता है। देख लीजिए पूरा जंगल जो है इस समय धू धू करके जल रहा है, बहुत दुख हो रहा है क्योंकि आज जब भी हम इस साइड आ रहे हैं तो यहाँ पे जंगल जो है जलते हुए मिल रहे हैं जो कि सरासर गलत है। उत्तराखंड जो जिस तरह से सुंदरता के लिए जाना जाता है, प्रकृति के नज़ारे हैं वो देख लीजिए, पेड़ अच्छी तरह से नहीं खिल पाए थे कि उससे पहले आग की भेंट चढ़ गए हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं बिनो बैंड में और बिनो बैंड से यहाँ पर से मयाली लगभग 45 किलोमीटर दूर है और यहाँ से नीचे जाता है अगस्त मुनि विजयनगर रोड जो है कि 12.5 किलोमीटर दूर है और इधर से ठीक पीछे अगर आप इस साइड में देखेंगे तो ये है गुप्तकाशी रोड जो कि यहाँ पर से गुप्तकाशी है 33 किलोमीटर दूर। इस सामने आप देख सकते हैं ये है किरोड़ा गांव, बहुत सुंदर देख लीजिए आप। तो दोस्तों करीब हमको यहाँ पे 20 मिनट हो गए हैं, यहाँ पे एक तिराह है, तिराह इधर एक रोड जा रही है और इधर से इधर की तरफ एक रोड, हम यहाँ पे कंफ्यूज हुए, बाद में काफ़ी देर तक हमने इंतजार करने के पश्चात गाड़ियाँ आई उनसे पता किया तो ये रोड जो है ऊपर जा रही है वो सिद्धस रोड के लिए जा रही है और ठीक आगे ये रोड मयाली के लिए और यही बधाणी ताल के लिए। कभी भी जाना हो तो देख लीजिएगा यहाँ पे तिराह है और सिद्धस रोड इस तरफ है, सिद्धस रोड की तरफ नहीं जाइएगा, बधाणी ताल जाना है तो इस तरफ जाइएगा। आगे जो है एक अर्जुन बैंड पड़ेगा, अर्जुन बैंड से हमको आगे जाना है, ये हमको लोकल आदमी ने यहाँ पे बताया है। जबकि हमारे उत्तराखंड में आप देख सकते हैं इस समय आप गेहूँ की कटाई शुरू हो चुकी है। दोस्तों इस समय हम पहुंच चुके हैं सिरवाड़ी बांगर की साइड में, एक तो बांगर है वो गंगासू बांगर की साइड में पड़ता है और ये दूसरा पड़ता है पुलन बांगर, सिरवाड़ी बांगर, ये सब जो बधाणी ताल रोड है उस पर पड़ता है और मुख्य बाजार है यहाँ पे पुलन बांगर। अब उसके पश्चात यहाँ पर से हम चलेंगे लगभग 7-8 किलोमीटर, हमको कच्चा रोड अपनाना है तो 7-8 किलोमीटर दूर है, यदि हम लंबे रास्ते से जाते तो बहुत दूर पड़ता, किंतु हम जा रहे हैं इस समय शॉर्टकट में कच्चे रास्ते से, देखते हैं 5-6 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगता है। दोस्तों हम लगभग बधाणी ताल के नज़दीक हैं, ये देख लीजिए ये जो रोड जा रही है वो काफ़ी दूर से अगर आप आना हो तो काफ़ी दूर से ये घूम के आती है, काफ़ी लंबा ट्रैक पड़ेगा और इधर से देख लीजिए ये कच्ची सड़क जरूर है लेकिन यहाँ पर से ज़्यादा दूर नहीं है, जो लोकल लोग बता रहे हैं वो बता रहे हैं लगभग 5-6 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर देख लीजिए बैग करने को भी नहीं है इसलिए बैग में ले जा रहे हैं उमंग। दोस्तों इस कच्ची सड़क पे हमने एक बार वापस जाने का निर्णय ले लिया था क्योंकि हम लंबे रूट से चलना पसंद कर रहे थे, लेकिन कुछ आगे चलने के पश्चात जब हम बैग गए तो हमको दो विद्यार्थी यहाँ पे मिले तो उनने हमको बताया कि थोड़ी दूर तक खराब है बाकी रोड ठीक है, तो उन्हीं को लेकर के हम इस बार गाड़ी में आए हैं और देख लीजिए इस समय ठीक है, काफ़ी आगे आ चुके हैं और उनका ये भी कहना था यदि हम इस रास्ते नहीं चढ़ते हैं नहीं चलते हैं, अगर हम लॉन्ग रूट चलते हैं तो जाते जाते रात हो सकती है।
यहाँ पे दोस्तों ये होटल है कमल होटल बोल करके। अभी हमने को हालांकि भूख भी लग चुकी है तो हमने इनसे पूछा खाने पीने में क्या है, तो बोले सिर्फ चाय बन सकती है। हम नूडल वगैरह कुछ पूछे तो बोला नूडल वगैरह सब शेष हो गया, ख़त्म हो गया है। इसके पश्चात हम यहाँ से जाएंगे, आगे देखते हैं क्या हमको आगे कुछ मिलता है। फिलहाल हमने यहाँ पे चाय का ऑर्डर दिया है, चाय पीते हैं। दोस्तों हम जो रास्ते से आए हैं ये वाला कच्चा रास्ता है और इधर मेन रास्ता है, लेकिन आए हम मुश्किल से 20 से 25 मिनट हमको लगे और इस रास्ते से करीब 26 किलोमीटर बताया गया है, 26 किलोमीटर दूरी है, बहुत घूम के आना पड़ता है और घूम के आने से निश्चित ही हमको देर हो जाती है, काफ़ी रात हो जाती है। दोस्तों इस समय हम हैं प्रकृति की सुरम्य वादियों में, बांगर पट्टी में, और ये देख लीजिए इधर कितने सुंदर सुंदर गाँव हैं। और सामने जहाँ की हम आज बात कर रहे हैं कि बदानी ताल, वो ऊपर में है, और इधर मैं जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस समय ये गेठाना का जो हेलीपैड है, ये गेठाना का हेलीपैड है। इधर जहाँ तक सुंदरता की बात करी जाए तो पहाड़ों में जगह जगह मैं घूमता हूँ और जगह जगह मैं घूमा हुआ हूँ, और भगवान ने चाहा तो आगे भी और जगह घूमूंगा, लेकिन यहाँ पर जो सुंदरता है बहुत ही सुरम्य जगह है। हालांकि उत्तराखंड में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आपको मनमोहक दृश्य नहीं मिलेंगे, फिर भी ये बांगर पट्टी जो है आप देखने लायक जगह है। कभी मौका मिले तो अवश्य दादा अवश्य इस क्षेत्र में आइएगा और इन प्राकृतिक वादियों का आनंद उठाइएगा, लुप्त उठाइएगा। फाइनली दोस्तों हम लोग बदानी ताल पहुँच चुके हैं, 4.5 घंटे का समय हमको लगा है, और ये बदानी ताल का ग्राम पंचायत का गेट है, कुछ ही दूरी पर हम बदानी ताल जो है वो देखेंगे। गाड़ी यहाँ पे पार करने को नहीं थी तो कुछ आगे जाकर के उमंग ने गाड़ी पार कर ली है, और इसके बाद हम यहाँ से पैदल चलेंगे बदानी ताल के लिए। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं बदानी ताल, आप देख सकते हैं इधर में लोग जो हैं काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे लोग आए हुए हैं देखने के लिए। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे हमसे किसी ने पूछा तो वो लोग रुद्रप्रयाग से आए थे, तो पूछ रहे थे कि बदानी ताल कितनी दूर है, क्योंकि हम भी आज पहली बार यहाँ पे आए हैं। लोगों से पता करने के बाद पता चला कि यहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं है, तो ये लोग भी रुद्रप्रयाग से आए हुए हैं और काफ़ी देख सकते हैं पर्यटक हम कह सकते हैं यहाँ पे आए हुए हैं। तो दोस्तों देख लीजिए ये है बदानी ताल, यहाँ पे कुछ समय पहले हम यहाँ पे बिस्किट वगैरह जो भी होगा, जो मछली के दाना होगा वो हम देंगे, और देखते हैं कितनी मछलियाँ, किस तरह से यहाँ पे मछलियाँ हैं और किस के रंग की यहाँ पे मछलियाँ, वो आपको दिखाएंगे, बने रहिए। सुंदर सुंदर मछलियाँ यहाँ पर हैं, रंगीन मछलियाँ यहाँ पे हैं, पूरे तालाब में जो है किस्म किस्म की मछलियाँ हैं। तो ये है यहाँ पे भगवान वासुदेव मंदिर, और यहाँ पे जो बदानी ताल बोल करके जो है यहाँ पर है, सुंदर सुंदर यहाँ पे मछलियाँ हैं। दोस्तों कहते हैं जब भी कोई त्रिजुगी नारायण में शुभ कार्य होता है, हवन वगैरह होता है, तो वहाँ से जो जौ होते हैं जो यहाँ पे पहुँचते हैं, बचे हुए जो जौ होते हैं ना, क्योंकि हवन में पूरे जौ जलते नहीं हैं, कुछ जौ निश्चित रूप से बचते हैं, तो वो जौ जो हैं पानी के सारे यहाँ निकलते हैं, अर्थात त्रिजुगी नारायण से संबंध है, भगवान विष्णु का संबंध है। निश्चित रूप से जो ये मछलियाँ हैं तो भगवान विष्णु का अवतार जो है मत्स्य अवतार हुआ है, तो उसी से संबंधित यहाँ पर हैं और वही अवतार यहाँ पर होंगे। यहाँ पर 2-3 किस्म की मछलियाँ मैं देख रहा हूँ, एक रेड फिश है और इसमें साथ साथ ब्लैक भी हैं। बहुत किस्म की यहाँ पर मछलियाँ हैं, और देख लीजिए जो ही हमने इसमें दाना डाला, बिस्किट डाला, तो सभी मछलियाँ जो हैं एक साथ ऊपर आ रही हैं। लेकिन एक चीज़ का मुझे ये लग रहा है सब बड़ी जो मछलियाँ हैं वो तो भोजन कर सकती हैं, उनको मिल जाएगा, लेकिन छोटी मछलियों के लिए निश्चित रूप से दिक्कत हो सकती है। लेकिन भगवान वासुदेव की कृपा, सभी अपने आप में जी रहे हैं। मेरा नाम श्री बरसात सिंह कुमार, ग्राम बदानी पट्टी में 14 गाँव है। सबसे पहले मुनेघर, खल्याण के बाद नेसवाटा, नेसवाटा के बाद चकवाड़ी, पुजार गांव, और उसके बाद ग्राम कोट, धारकुड़ी, शेरवाड़ी और भेलंता, और मैं प्रजेंट अभी यहाँ पे बदानी ताल में हूँ। कुमार जी ने अभी बताया कि इस बांगर पट्टी में जो है 14 गांव हैं। दोस्तों देख लीजिए अभी हम चल रहे हैं जो बदानी ताल है, ताल के बाहर में हम चल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, शांति की अनुभूति यहाँ पे हो रही है। और बहुत ही मैंने बताया आपको कि जहाँ जहाँ मछलियाँ होती हैं, मछलियाँ हमेशा मन को शांति प्रदान करती हैं, और यही आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मछलियाँ हैं। कुछ समय हम यहाँ पे ठहरने के बाद हमने देखा
की मछलियाँ बहुत ही आनंद दे रही हैं, आनंद की अनुभूति करा रही हैं। चारों तरफ से इसकी मछलियाँ हैं। और गांव की जहाँ तक बात करी जाए तो बहुत सुंदर गांव है। अलग अलग यहाँ पे घर हैं, एकदम सटे हुए नहीं हैं। जहाँ भी मैं गांव में गया आज, तो जनसंख्या वृद्धि की वजह से जो है ज़मीन कम पड़ती जा रही होती जा रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है और निश्चित रूप से हर आदमी मकान अलग अलग बनाना चाहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो मकान अभी भी दूर दूर हैं। साथियों, इस समय हम हैं गेठन बांगर में, लेकिन बांगर पट्टी में हमने आपको बताया कि 14 गांव हैं। ये पश्चिम बांगर में और पूर्वी बांगर में 5 गांव हैं। देख लीजिए, ये जो गांव है बड़ा सुंदर गांव है, क्योंकि सबसे बड़ी बात इस गांव में पलायन के नहीं लग रहा मुझे, पलायन कर रहे होंगे और बहुत अच्छी बात है। उत्तराखंड से मैं जो है पलायन नहीं होना चाहिए। और यहाँ मुझे जैसे लग रहा है क्योंकि गाय भैंस वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, अभी तक लोग खेतीबाड़ी कर रहे हैं, कृषि कार्य में लगे हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है, पलायन नहीं होना चाहिए जैसे कि इन गाँव में मुझे देखने को मिल रहा है। क्योंकि पानी यहाँ पर आ रहा है, कहते हैं ये पानी, ये जल जो है तिरुचुकी नारायण से यहाँ पर आता है। और देख लीजिए, काफ़ी मात्रा में यहाँ पर पानी है और इसका रख रखाव अवश्य करना चाहिए। बहुत खुशी हुई कि अभी भी लोग रख रखाव इतना अच्छी तरह से कर रहे हैं पहाड़ों में। और मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि पहाड़ों में जो है पलायन यहाँ पे कम है। आप देख सकते हैं इस धारे में, हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा संख्या में मछलियाँ हैं। और आप प्रूफ पहले से हैं, कोई लाया नहीं गया है। दोस्तों, अगर इन्हें देवी सत्य न कहें तो क्या कहें, क्योंकि 100-200 तो हर जगह रहती हैं, मिल सकती हैं, लेकिन यहाँ पे हजारों की संख्या में मछलियाँ हैं। निश्चित रूप से भगवान विष्णु का जो अवतार हुआ है मत्स्य अवतार, आप देख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा दूरी तक नहीं, थोड़ी दूरी पर मुश्किल से 20 मीटर की दूरी तक ये मछलियाँ हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करें। यदि मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय बाबा केदारनाथ, जय माँ दुर्गे, जय भैरवनाथ।